नमस्कार, एशियन 24 टॉप 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज के साथ मुकेश शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। रायपुर में शर्मसार हुई इंसानियत। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला को भर्ती करने से किया इनकार। महिला ने अस्पताल के बाहर दिया बच्चे को जन्म। बाद में महिला को अस्पताल के वार्ड में किया गया भर्ती। रायपुर के कालापाड़ी जिला अस्पताल का मामला। सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने कोसीर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से किया सघन दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों के घर घर जाकर उनका जाना हाल। कहा, हर संभव मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद रायगढ़ विधायक सीधे पहुंचे। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्या। कहा, हमारी सरकार करेगी हर संभव मदद। महानदी में आए बाढ़ के बाद लोगों की मदद के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सारंगढ़ एसडीओपी व थाना प्रभारी। लोगों को बिस्किट मिक्सचर व मास्क का किया वितरण और जानी उनकी समस्या। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी व पीएसओ का रिपोर्ट आया कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री अगले 4 दिनों तक रहेंगे आइसोलेशन में। रायगढ़ सांसद गोमती साय व भाजपा नेता ओपी चौधरी भी पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों में। बाढ़ प्रभावित शिविरों में जाकर जाना लोगों का हालचाल। सांसद ने अधिकारियों को कहा, खाने पीने की करें उचित व्यवस्था। रायगढ़ केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मटन मार्केट के पास अवैध कब्जा करने वालों पर चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम आयुक्त तहसीलदार ने खड़े होकर कराया बेजा कब्जा मुक्त। सारंगढ़ के टीमर लगा देसी अंग्रेजी शराब दुकान में चोरों ने बाढ़ का फायदा उठाकर 263 नग देसी शराब व 120 नग अंग्रेजी शराब पर किया हाथ साफ। भट्टी कर्मचारियों ने मामले की सूचना संबंधित को दी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भी पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। बाढ़ प्रभावितों से मिलकर लिया स्थितियों का जायजा। राहत शिविरों में सुविधा की ली जानकारी। प्रभावितों को हर मदद का दिलाया भरोसा। महानदी में आए बाढ़ के कारण पिछले 2 दिनों से बंद पड़े चंदरपुर में फिर आवाजाही शुरू। बाढ़ के कारण कई जिलों से टूट चुका था संपर्क। रास्ता खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार।